सोशल मीडिया पर काफी समय से खबरें चल रही थी कि प्रभास और डायरेक्टर ओम राउत एक बार फिर से कोलैबोरेट करने वाले हैं। वेल, अब इस राज से पर्दा उठ चुका है और आ गया है प्रोजेक्ट सामने। आखिरकार कौन सी है वो फिल्म, चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। भाई, साउथ के सेकेंड सुपरस्टार और साथ ही बॉलीवुड में जाने वाले बाहुबली, इनकी नई फिल्म आने वाली है। इससे पहले ही हमने 10 अगस्त को उनके राधेश्याम का पोस्टर देखा है। अब एक और फिल्म का पोस्टर आ चुका है जिसका नाम है आदि पुरुष। पर मैं आपको बता दूं कि आदि पुरुष फिल्म में प्रभास जो है वो आदि पुरुष का किरदार निभाने वाले हैं। और जिस तरीके से इसकी टैगलाइन है, बुराई पर अच्छाई का जश्न, इसको देखने के बाद पता चलता है कि ये फिल्म जो है रामायण रिलेटेड है और इसमें कोई ऐसी एक कथा हमें देखने को मिलने वाली है, शायद से धार्मिक या जैसे कि रामायण टाइप में, जिसमें हमें एक्शन भी देखने को मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि चार लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है, जिसमें हिंदी, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, ये चार ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ये फिल्म रिलीज होने वाली है। वेल, मैं आपको बता दूं कि प्रभास और ओम राउत एक बार फिर से कोलैबोरेट करने वाले हैं और उनकी फिल्मों का इंतजार जो है प्रभास की, वो हर कोई करता है। अब ऐसे में राधेश्याम का पोस्टर आ चुका है, लेकिन इस फिल्म के यानी कि आदि पुरुष के में प्रभास का किस तरह का कैरेक्टर रहने वाला है, इस बात का अभी तक खुलासा किया नहीं गया है, पर हो सकता है बहुत ही जल्द उनका लुक भी सामने आ जाए। ऐसे में आप लोग प्रभास के आने वाले नए प्रोजेक्ट के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है आदि पुरुष के लिए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बन रही है चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।